और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन चाप बनाने जा रहे हैं। मटन लिया, उसको साफ़ किया और इसकी चापें हमने धो के वाश करके रख ली। इसमें यह है धनिया है, साल्ट है, कुटी मिर्च है और ज़ीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है, गरम गरम मसाला, हल्दी, चाट मसाला, दही, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। ये सारे मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दही को हमने एक बाउल में डाल दिया। और इसी के साथ ये मसाले जो आपको बताए हैं ये हमने इसमें ऐड कर दिए। ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए ये दही में। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च वगैरह ये सब इसमें हमने डाल दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें दही के साथ ये सारे मसाले इनको मिक्स कर रहे हैं और इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाला और पानी ऐड किया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया इसमें। इसको भी हम इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके ये पेस्ट से तैयार हो जाएगा और इसको हम फिर इसमें चाप ऐड कर दें। इसमें चाप डाल दें और इसमें इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे इसको। और दो घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट कर देंगे। दो घंटे के लिए इसको ऐसे ही मसाले लगा के रख छोड़ेंगे। ये इसको फिर हम एक कढ़ाई में या एक पतीली में किसी भी पॉट में डाल के इसको हम चूल्हे पर रखेंगे और इसको पकाएंगे। ये देखें ये इसको पका रहे हैं अच्छी तरह से। और इसमें जब ये पक जाएं गल जाएंगे तो इसके ऊपर हम एक बॉल रख के छोटा सा उसमें कोले रखेंगे जले हुए। और इस पे हम कोलों पे हल्का सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसका जो स्मोक होगा हम इसको बंद कर दें, कवर्ड कर देंगे, वो इसका इसमें स्मोकी टेस्ट आ जाएगा। ये देखें हमारी चाप तैयार है, मटन चाप रेडी फॉर ईट तैयार है। इसको हम इसको ट्राई करें, बहुत अच्छी जायकेदार है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।